लगी हुई है जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में, और हम लोग भी लगे हुए हैं। मैं मेरे पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब तक करीब 20,000 किट, जिसके अंदर आटा है 5 किलो, दाल है और चीनी है 1-1 किलो, ये हमने किट बना करके, पहले हमने 10-10 किलो आटे के पैकेट दिए थे, अब 5-5 किलो आटे के पैकेट दे रहे हैं। हमने करीब अब तक 20,000 किट पूरे विधानसभा क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमारा उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और इस उद्देश्य में हमारे साथ में बहुत सारे भामाशाह लोग आगे आए। उन्होंने न केवल इच्छा जाहिर की, बल्कि उन्होंने खुले दिल से, उदार मन से आगे आकर के लोगों की सेवा करने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की समस्त टीम का बहुत आभारी हूं कि मुझे बहुत मजबूत टीम मिली हुई है, चाहे वो छापर की बात करें, राजेंद्रेश्वर की करें, रतनगढ़ की करें, या प्रत्येक गांव के अंदर जो हमारा बूथ है, उस बूथ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। बूथ के कार्यकर्ताओं ने लिस्टें बनाई कि कौन व्यक्ति है जिसके यहाँ आवश्यकता है, वो लिस्टें बनने के बाद में मुझे सूचित किया, जैसी जितनी आवश्यकता थी वहां पर हम लोगों ने वो राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। लॉकडाउन पीरियड थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं सब लोगों को कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, राहत सामग्री में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। कल हम लोगों ने अस्पतालों के अंदर, मैंने भी मेरे विधायक कोटे से दिया था, हमारे एमपी साहब ने भी अपने एमपी लेड से पैसा दिया है कि जरूरतमंद जो भी लोग हैं उनके लिए, या जो लोग वॉरियर्स हैं, जो सेवा करने का काम कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, या आवश्यक सेवाओं में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह से सैनिटाइजेशन की कोई कमी नहीं आई, उनको किसी भी तरह से मास्क वगैरह की कोई कमी नहीं आई। इसके लिए हम लोगों ने हमारे एमपी साहब ने 3-3 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिए थे, मैंने 1 लाख रुपए मेरे विधायक कोटे से दिए थे, मेरी 1 महीने की तनख्वाह हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी, 1 महीने की तनख्वाह हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो पीएम केयर्स है उसमें दी, और हमने हमारे प्रत्येक बूथ के ऊपर कम से कम 10 लोगों को 100-100 रुपए जमा कराने का हमने आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना हमको टारगेट दिया था, उस टारगेट से ज़्यादा हमने करवा के दिया। करीब 4 लाख रुपए कल तक हमने जो टारगेट था उससे ज़्यादा भामाशाह लोगों ने आगे बढ़ करके हमारे थ्रू पीएम केयर्स में जमा करवाए हैं। मैंने मेरे पिताजी के नाम से हमारा एक फैमिली ट्रस्ट है, पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे भी 1 लाख रुपए पीएम केयर्स में हम लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में, मेरे बड़े भाई साहब कृपा शंकर जी शर्मा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया। और ये जो राहत सामग्री हम देने का काम कर रहे हैं उसमें पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल है, और अनेक भामाशाह हैं जिन्होंने, जिनका मैं नाम करूँगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन मुझे विश्वास, मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि किसी तरह की कोई कमी विधानसभा में नहीं आने देंगे, जितना हो, लेकिन गरीब कोई भी व्यक्ति या जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। आज हम छापर में आया हूँ, छापर में हमारे अध्यक्ष जी जयराम जी जांगिर साहब और हमारे चेयरमैन महावीर जी खटीक साहब और इनकी पूरी टीम एक साथ जुट करके लिस्टें बनाई हैं, और जो भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसको ये जो राहत सामग्री है ये पहुँचाने का काम करेंगे। लिमिट कोई भी नहीं है, 500 के लिए हमने कहा है कि इन्होंने कहा 500 के करीब की जरूरत थी तो 500 करीब आज भिजवा दिए, यदि और हमें सूची प्रोवाइड कराएंगे तो और भी हम पहुंचा देंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने पहले दिन जो एक अपील की थी लोगों से, उस अपील का असर ये हुआ कि लोग बहुत खुलकर के आगे आए। मैं उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने, कम ज़्यादा का कोई सवाल नहीं है, जितना भी जो जिससे बन पड़ा उतना। नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विधायक महोदय ने छापर के अंदर वार्ड मेंबर, चेयरमैन साहब सभी से छापर की समस्याओं के बारे में जायज़ा लिया, और उन्होंने 500 किट छापर के अंदर दी आज। और ये देखिए विधायक महोदय जी बैठे हैं, जैसा भी जो भी सिस्टम आप लोग सब बैठे हो, मेरे हिसाब से 5-4 आदमियों की कमेटी बना लो, बैठ के लिस्ट तैयार करके दे दो, कम ज़्यादा हो गया बता देना। मेरे हिसाब से छापर में खूब बटा है, दानदाताओं ने दिया है, भामाशाह लोगों ने दिया है, सामाजिक संगठनों ने खूब दिया है, और भी काम भी बाकी भी चल रहा है, लेकिन अपनी तरफ से भी पार्टी ने जो है वो अपने को, लोगों ने अपने को खूब आशीर्वाद दिया है, और भी आगे की प्लानिंग भी है, और भी बन रही है। तो वो मेरे हिसाब से आपने मुझे ही दादाजी 500 क्यों 500 मैंने भिजवा दिए हैं।
चलो चलो बढ़िया है, सब अच्छे से बन। और ये सब बचने के लिए नमक मिर्ची वो आटा और मंगाने के लिए तैयार है, जितना चाहिए अभी। आठ पिकअप रेडी मंगा लो यार, थैंक यू वेरी मच। चलो डबल ध्यान रखना है, देना नहीं है, देना को सुन जाओ, ध्यान रखिए सर के लिए। ठीक है सर, देना बनी ध्यान रखना। ठीक है सर।